भारत माता की। परिवर्तन यात्रा है, उसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि परिवर्तन हो। परिवर्तन किस चीज का? हम यहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए परिवर्तन नहीं मानते। समाजवादी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बने, उसको परिवर्तन नहीं मानते। एक विधायक बदल जाए, कुछ मंत्री बदल जाए, उसको परिवर्तन नहीं मानते। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाए, हालात में परिवर्तन हो जाए। यूपी की जनता क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से उसकी अपेक्षाएं क्या है और उनकी आकांक्षा क्या है, वो जानने का यूपी की मन की बात के माध्यम से हम एक विनम्र प्रयास करेंगे। और ये सारे सुझावों को संकलित कर समस्याओं का वर्गीकरण कर एक इसके ग्रुप्स बनाकर इसके निवारण की एक कच्ची रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं बिजनौर से हूँ और मैं ईबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में पढ़ रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब भी इलेक्शंस होता है तब हमसे ये प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि हमारे यूपी में जो कानूनी व्यवस्था है उनको अच्छा किया जाएगा और वुमेन की सेफ्टी के लिए बहुत एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन ये प्रॉमिसेस केवल प्रॉमिसेस ही बनकर रह जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार यूपी में आने के बाद हमें इस चीजों पे क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, शायद आपके जन्म के पहले की बात होगी, उत्तर प्रदेश में एक बार कल्याण सिंह सरकार बनी थी और राजनाथ सिंह सरकार बनी थी। सारे गुंडे या तो जेल के अंदर थे या यूपी के बाहर थे, कोई गुंडों की जगह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 40 नई डेयरी बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और 70 लाख युवाओं को रोजगारी भी देंगे। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जहां पर युवा को रोजगारी तो मिले मगर वो रोजगारी अपनी पत्नी के साथ रहकर माता पिता की सेवा करते करते अपने जनपद के अंदर मिले, यही रहकर उसको रोजगारी मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। भैया, तुझे लैपटॉप मिला है क्या? ईश्वर मिला है, ईश्वर मिला है। क्यों नहीं मिला है भाई, क्यों नहीं मिला? इन्होंने तो बहुत बांटे हैं। मैं बताऊं,
ये सबसे पहले आपका धर्म पूछेंगे। अगर धर्म अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। उसके बाद में वो आपका जाति पूछेंगे। जाति अनुकूल नहीं आई तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा को लैपटॉप देने का काम समाप्त कर दिया जाए। एक सोमवार को पश्चिमी यूपी के ताऊ बड़े परेशान से मेरे ऑफिस में आ गए। तो उसने कहा, मैं बैलगाड़ी में गन्ना डालकर चीनी मिल पर गन्ना डालने जाना था। रास्ते में अमरूद की एक रेकड़ी देख ली, पोते के लिए अमरूद खरीदने उतरा। अमरूद लेकर वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। फिर मैंने कहा, ताऊ इसमें क्या है भाई, खाने जाओ, रपट लिखाओ, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा, अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला, क्यों नहीं मिलेगा का ताऊ? उसने कहा, एक कतल खाने वाले बुचर खाने वाले उठाकर ले गए। मित्रों, एक किसानों का गाय भैंस बैल कतल खाने वाले उठाकर ले जाकर काट देते हैं। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे से पहले उत्तर प्रदेश में सारे यांत्रिक कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। गरीब की हो, सपा के गुंडों ने जमीन हथिया ली है। मित्रों, हथिया ली सारे लोगों ने। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी ने ही गांव गांव गली गली शहर शहर जमीन कब्जा कर रखी है और गुंडा राज फैला कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जमीन सरकारी हो, चाहे गरीब किसान की हो या किसी विधवा की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही एक सप्ताह में ये सारे भू माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर हो। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं। उतार कर फेंक दो समाजवादी पार्टी की सरकार को और भारतीय आई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मित्रों, एक जातिवादी सरकार है, एक परिवारवादी सरकार है, आपका पूरा नहीं कर सकती। कल से लेकर आज दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में हमारे जो नेताओं हैं उनके साथ और बाकी कई प्रकार से फीडबैक लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में
50 से ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे रहेगी। और दूसरे चरण की भी जो हमारी तैयारी है उसके आधार पर और प्रथम चरण के ट्रेंड के आधार पर मैं मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण में 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त। चाहता हूं कि अखिलेश जी डिमोनिटाइजेशन को मुद्दा बनाए चुनाव का। वो तो इसके बारे में बात करी नहीं, बात कर रहे चुनावी सभा में नहीं बोलते भैया, नहीं बोलते हैं। मोदी मोदी लगता है, कल आगरा के शो में भी मोदी मोदी के नारे लग गए, इसलिए सभा में नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेडर्स को इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ, उन्होंने आकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने। अरे मैं मेरठ कल गया था, दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली लगा देते हैं, लखनऊ में लगा देते हैं, इलाहाबाद में लगा देते हैं, कुछ रुपयों का नुकसान हुआ होगा एक आध दो महीने के लिए, मगर जान चली जाती है। अखिलेश जान की चिंता करो भैया, व्यापारी महफूज ही नहीं है तो कैसे व्यापार करेगा बताइए। उन्होंने वादा किया उसकी जांच करवाएंगे, वो कैसे हुआ है? जांच करा कर क्या होता है, तो हर रोज तेई सत्याय होती है, क्या जांच कराएंगे बताइए आप मुझे। अभी कल जो लखनऊ में हुआ, परसों रजत जी बेटे को मार दिया, मारने वाला जेल में बैठा है, और जेल में बैठा है बाप गवाही न दे इसलिए जेल में से बैठकर बाप को मरवा दिया, क्या जांच कराएंगे? कैसे उत्तर प्रदेश में विकास होगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे कोई उद्योग लगाएगा, कैसे नौकरी बढ़ेगी? डिमोनिटाइजेशन छोड़ो, सपा के गुंडों को कब्जा रखो तो भी यहां भला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। पांच चरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्त कर दिया। छठे और सातवें चरण में हम दो तिहाई बहुमत की ओर बढ़ने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले ले, एक सप्ताह में सपा के गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक सप्ताह के अंदर भारत माता की